नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप सब भगतगण सुबह से चार धाम यात्रा की एक नई अपडेट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसके लिए दोस्तों हमने यह वीडियो बनाया है। कृपया दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, हम व हमारे चैनल की टीम द्वारा यह निर्णय लिया गया है, आप में से ही 5 भक्तों को बाबा केदारनाथ धाम जी की यात्रा व दर्शन निःशुल्क करवाए जाएंगे। इसके लिए बस आपको इस वीडियो को लाइक करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है तथा नीचे कमेंट में लिखना है डन हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम चार धाम यात्रा को लेकर जो जरूरी गाइडलाइंस है उन पर चर्चा करेंगे, साथ ही जो सबसे बेस्ट महीना है चार धाम यात्रा करने का, जिसमें आपको जो है कम बजट में आपकी यात्रा भी हो जाए, उसके बारे में भी दोस्तों चर्चा करेंगे। बाकी कुछ और भी अपडेट्स हैं उसके बारे में भी दोस्तों चर्चा करेंगे, तो दोस्तों जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं गाइडलाइंस की। दोस्तों, गाइडलाइंस में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ये मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। जो लास्ट ईयर, जैसे कि आपको पता होगा, जो गाइडलाइंस थी वही गाइडलाइंस रहने वाली है। जैसे कि यदि आपके डबल वैक्सीन लग चुकी है तो दोस्तों आप चारधाम यात्रा पर आ सकते हैं, यदि आपके डबल वैक्सीन नहीं लगी है तो आपको जो कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट है वो आपको लेकर आनी अनिवार्य रहेगी। और साथ ही साथ एक बात का जो है दोस्तों आपको खास ख्याल रखना है कि जो आपकी कोविड की रिपोर्ट हो वो 72 आवर्स से ज़्यादा पुरानी ना हो, इस चीज़ का दोस्तों खास ख्याल रखिएगा। और यात्रा को लेकर सरकार द्वारा काफ़ी इंतजाम किए गए हैं। दोस्तों, जैसे ही आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे या बस स्टैंड पर उतरेंगे तो दोस्तों वहीं पे एक कनोपी लगा होगा जहां पे आपका कोविड का टेस्ट भी हो जाएगा। यदि आप मान के चलिए कि आप कहीं दूर से आ रहे हैं चारधाम यात्रा पर और आपका जो है 72 आवर्स से ज़्यादा हो गए हैं तो आप वहाँ भी अपना जो है कोविड टेस्ट करा सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। रैपिड एंटीजन का टेस्ट होगा, आपको मात्र 15 से 20 मिनट में जो आपको कोविड का रिपोर्ट है नेगेटिव या पॉजिटिव वो आपको मिल जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं चारधाम यात्रा को लेकर जरूरी रजिस्ट्रेशन यात्रा ई पास की। तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा, इस साल सरकार द्वारा यह भी सुनिश्चित कर दिया गया है कि जो भी रजिस्ट्रेशन होगा वो आपका हरिद्वार और ऋषिकेश में फोटोमेट्रिक तरीके से होगा। मतलब कि आपका जो ग्रुप होगा उसकी पूरे की फ़ोटो ली जाएगी, जिससे सरकार के पास आपके जो है पूरे रिकॉर्ड हों कि कौन सा श्रद्धालु किस यात्रा पर गया है। यदि आप चारधाम में एक धाम की यात्रा करते हैं चाहे चार धाम की करते हैं तो सरकार के पास उसकी जो है पूरी रिपोर्ट हो। बाकी जो भी श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको साइट जो है वो स्क्रीन पर दिख रही होगी, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बाकी यदि आप ऑफलाइन करवाएंगे तो हरिद्वार में जो आपका फोटोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन है वह करवाना आपका अनिवार्य रहेगा। उसके बाद यदि आप सोनप्रयाग जाते हैं, सोनप्रयाग जाके आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन दोबारा से करवाना पड़ेगा, जो बायोमेट्रिक होता है, जो दोस्तों आपको पता है जो पिछले 3 या 4 सालों से जो होता आ रहा है वैसे ही जो आपका रजिस्ट्रेशन है सोनप्रयाग में भी होगा। बाकी जिन भी भक्तों को रजिस्ट्रेशन के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, जिन्होंने आज से पहले यात्रा नहीं की है, वे बस एक कमेंट करें नीचे वीडियो के, आपको जो है पूरी जानकारी रजिस्ट्रेशन की दे दी जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं जो सबसे बेस्ट महीना रहेगा यदि आप केदारनाथ यात्रा करना चाहते हैं या चार धाम यात्रा करना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट महीना जिसमें कि आप बजट में जो है यात्रा कर पाएँ। तो दोस्तों, मैं आपको एक ही चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, यदि आप चाहते हैं कि आप बजट में यात्रा कर लें तो आप सितंबर माह के अंदर जो है चार धाम यात्रा बड़ी आसानी से कम बजट में कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, जो मई और जून के जो महीना रहता है ये यात्रा के लिए, चार धाम यात्रा के लिए पीक सीज़न का महीना रहता है। और इन महीनों के अंदर दोस्तों यदि आप केदारनाथ यात्रा करते हैं या चारधाम यात्रा करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, होटल्स जो होते हैं काफ़ी जो कॉस्टिंग है उनकी बढ़ जाती है, खाने पीने के रेट्स भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों पिट्ठू खच्चर जो भी आप करते हैं इन सब चीज़ों के दोस्तों रेट जो है वह बढ़ जाते हैं। परंतु यदि आप यही यात्रा जो है सितंबर माह में करते हैं तो दोस्तों आपको जो ऊपर होटल्स, आप ये मान के चलिए अगर आप 5 लोग जा रहे हैं यात्रा पर तो आपको आराम से 1500 रुपये में जो है 5 लोगों के लिए अच्छा जो होटल है वह मिल जाएगा। चारधाम यात्रा में आप कहीं भी होटल ले सकते हैं। यमुनोत्री जी की यदि हम बात करें तो आपको जो है सितंबर माह के अंदर होटल जो है दोस्तों 800 से 1000 रुपये में आसानी से मिल जाएगा 5 लोगों के लिए। यदि हम गंगोत्री जी की बात करें तो 800 से 1000 रुपये में 5 लोगों के लिए आपको मिल जाएगा। यदि हम बात करें बाबा केदारनाथ धाम जी की तो यहाँ पर आपको दोस्तों 1500 तक में जो है 5 लोगों के लिए आसानी से सितंबर माह के अंदर होटल मिल जाएगा। बद्रीनाथ में दोस्तों यदि हम बात करें तो बद्रीनाथ में भी आपको 1000 से 1500 के नॉर्मल शुल्क में जो है 5 लोगों के लिए होटल जो है आसानी से मिल जाएगा, जिसमें गीज़र की सुविधा भी आपको जो है रहेगी। बाकी दोस्तों, जैसे आपने हमारे सुबह के वीडियो में देखा, केदारनाथ जी का जो रास्ता है वह पूरा खोल दिया गया है। साथ ही जो हेलीपैड है, हेलीपैड से भी दोस्तों बर्फ़ जो है वह पूरी तरीके से हटा दी गई है। तो दोस्तों यात्रा के लिए प्रशासन द्वारा काफ़ी ज़्यादा जो बंदोबस्त हैं वह किए जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इस साल भी जैसे कि पिछले साल दोस्तों मैं आपको, एक कोरोना के मामले जो हैं दोस्तों वो बढ़ते जा रहे हैं, डेल्टा क्रोन जो कि अभी नया एक वेरियंट आया है कोविड का,
तो उसके जो 15 से 20 मामले हैं वो उत्तराखंड के अंदर जो हैं अभी हमारे सामने आए हैं, ये मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जून या जुलाई के माह में जो है अपनी चौथी लहर इंडिया के अंदर आ जाएगी। तो दोस्तों मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा कि कृपया आप यात्रा पर, यदि आप मई या जून में जा रहे हैं तो यात्रा पर जाएंगे तो कृपया आप दूरी बना के रखें, हाथों को सैनिटाइज़ करें व दोस्तों यात्रा का अपना आनंद लें। क्योंकि दोस्तों जो कोरोना की लहर चौथी आने वाली है उसके बारे में वैज्ञानिकों ने भी हमें सूचित किया था कि यह लहर इंडिया के लिए जो है थोड़ा खतरनाक साबित हो सकती है। तो दोस्तों आपको सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी यदि आप यात्रा पर आ रहे हैं, ये मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि दोस्तों उत्तराखंड के अंदर आज की डेट में जो है 20 मामले डेल्टा क्रोन जो वेरियंट है कोविड का उसके निकल चुके हैं। दोस्तों कृपया हमें कमेंट में बताएं आपको यह जो अपडेट है यह कैसी लगी। दोस्तों यही थी आज की अपडेट, आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जिन भी भाइयों को यह वीडियो पसंद आया कृपया वीडियो को लाइक करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, हम अपने चैनल पर यात्रा व यात्रा से जुड़ी वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।